हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार और फिलहाल मैं मौजूद हूं सैदपुर अठगामा गौशाला में। एक महीना पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें सैदपुर गौशाला के बाहर जो मिठाइयां की जो दुकान जो सजाई गई थी, जिसका उद्देश्य था जितना भी उसमें जो इनकम होगी वह सारी की सारी गौशाला में दान करने वाली जो बातें जो राकेश भाई द्वारा जो कही गई थी, जो राकेश जो उसके दुकान के जो ओनर हैं उनके द्वारा कही गई थी, आज वही चीज़ देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उस जो दुकान का जो है वो समापन हो चुका है। आज जितनी भी राशि जो वहाँ पर आई है, जो मिठाइयाँ जितनी भी उन्होंने जितनी मिठाइयाँ बेची हैं, जितनी भी इनकम जो वहाँ पर हुई है वो सारी गौशाला में दान करने की जो बात कही गई थी, आज यही देखने के लिए पहुंचे हैं कि आज गौशाला में राकेश भाई कितना दान करेंगे। आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, फिलहाल हवन जो चल रहा है, यज्ञ हवन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सभी यहाँ पे गौशाला कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, प्रधान जी मौजूद हैं, राकेश भाई हैं और सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करांगे कितनी इन बचत हुई है, कितना जो है ये दान करेंगे, सारी बात जो है हरियाणा 1008 आपके सामने। आइए मेरे साथ और अब जो है आपको दिखाते हैं कितनी दान राशि जो है यहाँ पे दान की जा रही है, कितनी इनकम हुई है इस काम में, वो सारी चीज़ें हम एक बार प्रधान जी से ही बात कराएंगे। और राकेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, सारे भाई हैं जो। राम राम भाई सर। राम राम भाई ने भाई, ये है राकेश भाई जिन्होंने ये मिठाइयों की जो शॉप जो लगा रखी थी, जो उनके ओनर हैं। कितनी बचत हुई है वो राकेश से बात कराएंगे। भाई साहब कितनी बचत हुई है अब की बार 1,51,051 रुपये की आई है, जो हमने गौशाला में डोनेट कर दी है। सारा खर्चा काट गया, सारा खर्चा निकाल। जब गेवर वाला सीजन था उसमें कितनी हुई थी? उसमें 3,02,150 रुपये थी। अच्छा, अब जो टोटल सारी जो इनकम हुई वह सारी बचत में है या कुछ है? अपना भी आप लोगों ने निकाली जो बचत थी ना, वो जो मतलब 5 लाख के लगभग थी, वो सारी गौशाला में हमने डोनेट कर दी, दोनों सीजन की मिला के जितनी हुई थी। अपना खर्चा निकाल गया, अब जैसे लागत है। अच्छा, अब अगर सावन में फिर करेंगे तो वो भी अपना निकाल लिया हमने कि जब शुरू करेंगे तो जब खर्चा हुआ है 5-6 लाख रुपए का लगभग खर्चा हो जाए जब शुरुआत कराया। कितने दिन चल रही है दुकान मिठाइयों की? जो हमारी चल रही है 1 महीना पूरे। अच्छा, 30 दिन। क्या रुझान रहा लोगों का देखने को? क्या अच्छा रुझान था जितने भी आए सब, पर हमारा जो ज़्यादा मावे का आइटम था वो पूरा नहीं हो पाया, तो नाराज भी होके गए हैं काफ़ी। तो अगली बार हम पूरा अपना सारी सेटलमेंट करके अच्छी तरह और वो अच्छा रिस्पांस देंगे, जनता ने खाली नहीं जान देंगे। जो हिंदुस्तानियों का प्यार था वो आए इतने प्यार प्रेम थे, तो अगली बार खाली नहीं जाएंगे, मिठाई उन्हें पूरी मिलेगी। अच्छा, फिलहाल जो है हम राधा कृष्ण जी के निर्माणाधीन मंदिर में जो हम फिलहाल खड़े हैं, जो हवन यहाँ पे चल रहा था। अच्छा राकेश भाई, जो अब की बार जो दान जो दिया है ये गौओं के लिए है या मंदिर के लिए है? ये गौ माता के लिए और मंदिर के लिए है। जो गौशाला के अंदर जितना भी निर्माण होता है किसी भी चीज़ का, तो सारा उसमें लगेगा। हाँ सारा, क्योंकि जो मंदिर है वो भी गौशाला में जो है प्रांगण में जो चला हुआ है। प्रधान जी, राम राम जी आपको। प्रधान जी क्या कुछ दिया है आपकी बार भाई? 1,51,000 बता रहे मलिक साहब। ये सामने है जी, ये इनके पिताजी साथ हैं, मलिक साहब मेरे साथ खड़े हैं। हाँ जी, पीछे भी 3.25 लाख के करीब था। यहाँ 1,51,000 ये मोटा दान जी, बहुत कुछ दान करे जी। भगत हम और ना जनते हम गौ के नाम तो दे रहे हैं, गौ आते रहे हैं कोई मंदिर का हिसाब नहीं। हाँ बस हम तो गौ माता के ये छोरा है और ये प्रधान जी हैं, हम गौ को देवता मानते हैं सब कुछ। हाँ बस। अच्छा, जब इस तरह के जो युवा साथी हैं इस तरह से जो दान कर रहे हैं, जितनी इनकम हो रही है, कैसा लग रहा है? बुजुर्गों को किस तरह से, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे? भाई राकेश से तो प्रेरणा लेनी चाहिए युवाओं को जी, और दान की और बढ़िया सामान की प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ, शुद्ध खाना, बढ़िया मिठाई मिले और बढ़िया दान करे। मैं तो सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, सभी दानियों से, इस और ध्यान दें और इस भाई का सहयोग करें, इससे प्रेरणा लें ताकि ज़्यादा ज़्यादा सद्भावना बनी रहे। अच्छा, जो ये दान जो कर रहे हैं युवा साथी, पिछली बार भी दान किया है 3 लाख कुछ ना कुछ था ना वो? हाँ हाँ, और अब की बार भी जो है 1 लाख से ऊपर है ये। तो ये जो सारा जो दान है, आप लोग गौशाला संभालते हो, प्रधान हो आप, तो किस तरह के कार्यों में ये रुपये जो है अब लगेंगे, क्या कुछ होगा इनका? मंदिर में कोई, इसमें गौशाला में कोई निर्माण होगा या गौ के चारे के लिए होगा, क्या कुछ रहेगा? ये तो जी जायज होगा, चारे की जरूरत होगी, चारे में होगा। जो गौशाला में जो जिस चीज़ की कमी है
उसकी उसकी पूर्ति के लिए यूज होगा जी, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध यूज हो, इसमें कोई वो नहीं किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं। और मंदिर जो है निर्माण निर्माणाधीन है अभी? हाँ निर्माणाधीन है जी, स्थापना हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है। राधा कृष्ण जी होंगे जी। हाँ जी, राम राम भाई, राम राम भाई, क्या कहना चाहोगे भाई साहब, जो राकेश भाई ने जो है दान पिछली बार भी किया था घेवर के सीजन में और अब की बार भी किया? भाई राकेश भाई की सेवा करने के मामले में कोई जोड़ नहीं है, एक राजस्थान था कभी कनेर वाले अपनी जगह जगह फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, अगर राकेश भाई की गल घने युवा जोड़ेंगे तो इस तरह की शुद्ध खाने की फ्रेंचाइजी हर एक गौशाला में हरियाणा के आगे ओस गए है और घने बालका ने रोजगार सारी गौवा ने अच्छा चंदा मिल सके, तो राकेश तो प्रेरणा ले गए और सारे जो युवा इस वीडियो देख कर इस तरह जुड़ कर इसका नंबर लेकर अपना लोकल भाई बढ़िया काम कर रहा है, एक घर बैठे ऑफर प्रदान कर रहा है रोजगार के लिए, खाओ जोड़ो काम करो, लोगों ने शुद्ध खाना मिल रहा है, दूध की कीमत बढ़ा अपनी अपने लोकला में है कि दूध बेचें अच्छा खाना मिल रहा है दूध मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया भाई का सहयोग रहा है और चंदा भी हर बार अच्छा दे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इसमें जो है भाई खुद भी कमाते होंगे या कुछ वो करते होंगे, क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में, या सारी जितनी इनकम होती सारी दान दी जाती है? देख भाई, कम से कम भी 10-15-20 आदमी की टीम है, उनको एक महीना रोजगार दिया, अरे भाई जो ये कम से कम कई लाख रुपया राशन आवे टेंट का खर्चा, और इसकी तो आत्मा इसी है यारे, तो जिस दौर पीछे ना है ना वो भी ऐसे डिब्बे ले जाए, कोई मतबल हुआ बनी वाली को बात को ना, भाई किसी गरीब आदमी का जी कर रहा खाने ने पैसे नहीं है तो इन्हें अलेबल करवाया उसने खा के चलेगा, इसके मन में कोई ये नहीं अगर भाई किसी ने ना दिया हो इन्हें, इसके बारे में तो कोई नाराज नहीं जाता, जो लकोता दे नहीं जो चंदा इसने दे है इस चंदा दान श्रद्धा सम्मान इसकी तो श्रद्धा दी बत्ती दान दे है, इसमें कोई कहना नहीं, जो है सबके सामने दानपन करे है। हाँ जी, राम राम जी, राम राम, क्या कहना चाहोगे जो युवा साथी हैं राकेश हैं इतना अच्छा जो काम कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात तो जो है शुद्ध मिठाई जो है लोगों को खिला रहे हैं बिल्कुल प्योर देसी घी की, जी जी, कोई भी आ सकता है, कोई खाना खा जाओ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, इसने जो दे जाए उसका भला ना दे जाए उसका भला, इसने कोई इच्छा नहीं है इतनी, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ये एक महीना अब चला और मेरे ख्याल 1.5 महीना पहले चला, बहुत बढ़िया काम चला जी, हमने तो बहुत बढ़िया लग गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई आगे का क्या कुछ प्लान है? आगे सावन के महीने का प्लान है, और सावन के महीने का प्लान है, और आगे सावन के महीने में ऐसे धूमधाम से घेवर खिलाओगे अच्छा शुद्ध देसी घी का खांड का, और खांड का ही हमारी मिठाई रहेगी हर टाइम, और यही रेट रहेगा जो पहले था सावन का, घी कितना भी महंगा हो खांड महंगी हो या कारीगर भी महंगे आवे उससे कोई नहीं, लेकिन रेट वही मिलेगा, कोई ये नहीं भाई घी महंगा हो गया था हम आप 350 कर देंगे या रेट बढ़ा लेंगे, रेट नहीं बढ़ेंगे, समोसा 8 रुपये का था 8 करेगा, उसमें हमारा नुकसान हो चाहे भाई फ़ायदा हो, लेकिन वो हमारा ये है भाई जो एक बार रेट हो गया तो हो गया, फाइनली रेट में कोई घाटबाजी नहीं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है जो है राकेश जी से, युवा साथियों की आज समाज को ज़रूरत है जो इस तरह से और भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और सभी को एक त्यौहार के मौके पर बिल्कुल शुद्ध देसी घी की जो प्योर जो मिठाई है, बाकी आजकल जो आप देखने लग रहे हो बाजार में बहुत ज़्यादा मिलावट जो है आप लोगों को मिलती है, लेकिन इनका जो है जो ये चल रहे हैं जिस बात को लेकर वो यही है कि लोगों तक जो है शुद्ध मिठाई उनके घरों तक पहुँच सके, खासकर त्यौहारों के मौके पर, क्योंकि त्यौहार के मौके पर ही ज़्यादा मिठाई यूज होती है, वैसे तो मिठाइयाँ जो है लगभग जो चलती ही रहती हैं, लेकिन त्यौहार के मौके पर मिठाइयाँ जो है लोग ज़्यादा यूज करते हैं, और उन्हीं मौके पर ये इस तरह की दुकान जब लगाते हैं तो पूरे समाज का जो है एक भला करने का ये काम ये लोग कर रहे हैं, इनको जो है हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और इसी तरह के जो है ये काम करके जो है समाज में एक अच्छी छाप ये छोड़ते रहें, इस बात के लिए हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा इनकी जो है इस तरह से सद्बुद्धि जो है बनी रहे और युवाओं को भी और सभी को जो है प्रेरित करते रहे। इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं इजाजत, अगली बार फिर जब जो भाई जो बता रहे हैं जो सावन के महीने में फिर घेवर की दुकान सजाई जाएगी उस मौके पर फिर हम जो है राकेश भाई को जो है आपके सामने फिर लेकर आवेंगे, तब तक के लिए आप जो है इंतजार कीजिए और जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पर, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक पारिवारिक हर मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं, और अपना जो है आशीर्वाद और प्यार आप हरियाणा 1008 पर जो इतना दे रहे हैं उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। दो शब्द राकेश भाई
भाई और कहना चाहते हैं जी? मैं ये 2018 दहेज जागरूक मिशन शुरू किया था हमने खांड का, कि खांड और किसान और देसी गौ माता का, तो वो अभी धीरे धीरे हम जैसे समाज से जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं तो उसका खूब सारा प्रचार हो रहा है। तो ये जागरूक मिशन हमने राजीव भाई के मिशन को जोड़ते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, वो अभी बहुत अच्छा फैलाव कर रहा है। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि वो अपनी रसोई में अपनी रसोई को बदले, उसमें अपना देसी जो हमारे देसी बोलते जैसे मसाले हो गए, मीठे में जैसे खांड होगी, वो लेके आए और अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे। मैं यही मेरी विनती है। और ये जागरूक मिशन है हमारा चलता रहेगा जागरूक मिशन। हम रिफाइंड चीनी और वाइट नमक के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसे ही खिलाफ हम ये मिशन चलाते रहेंगे। और हमारे 170 करोड़ हिंदुस्तानियों को यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने देसी खान पान पर आए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, इतना अच्छा संदेश जो है आप लोग दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं इजाज़त। आप देखते रहिए हरियाणा 1008 के लिए। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।